नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने चैनल अपना घर कंस्ट्रक्शन में। आज हम लोग 2000 स्क्वायर फीट छत ढलाई में कितना मटेरियल लगेगा, कितना लेबर पेमेंट करना पड़ेगा, उसमें भी एक एक मटेरियल को हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। कितना अमाउंट लगने वाला है, उसमें आपका कितना पैसा लगने वाला है, काफी हेल्पफुल आप सभी के लिए वीडियो होने वाला है। अगर वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा, एक चीज को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग स्लैब एरिया देख लेते हैं। हमारा छत जो ये देख पा रहे होंगे आप लोग, लगभग 2000 स्क्वायर फीट का ये एरिया है, छत का एरिया, ठीक है। 2000 स्क्वायर फीट है, चाहे ये 40 बाय 50 हो या किसी भी डायमेंशन में हो, लेकिन आपका क्या है, 2000 स्क्वायर फीट एरिया है। इसमें हम लोग बेसिक 10 बाय 12 साइज का हम लोगों ने बीम प्रोवाइड किया हुआ है। लगभग 25% जो होता है एक्स्ट्रा हमारा छत से बीम को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो इतना एरिया एक्स्ट्रा हमें छत ढलाई करना पड़ जाता है। 500 स्क्वायर फीट में बीम एरिया मान के चल रहा हूं तो लगभग आपको अप्रोक्स 2500 स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको मटेरियल अपने साइट पे मंगवाना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखें क्योंकि हम लोग जनरली क्या करते हैं, बीम को हम लोग ऐड ही नहीं करते, सिर्फ छत जोड़ के हम लोग मटेरियल मंगवा लेते हैं। इसीलिए कभी कभी क्या होता है, मटेरियल हमारा कम पड़ जाता है छत ढलाई में। तो चलिए, और रेशियो जो हम लोग रखने वाले हैं, रेशियो पहले डिसाइड कर लेते हैं किस रेशियो में सीमेंट बालू गिट्टी देना है। तो वो जो रेशियो रखना चाहिए हमें, एक बोरी का बात करता हूं, वैसे M20 ग्रेड मिनिमम आरसीसी वर्क के लिए होता है, 1.5-3 M20 का मतलब होता है। तो मैं सिंपली भाषा में आप सभी को बताऊं, अगर एक बोरी आप लोग अगर सीमेंट दे रहे हैं तो आप कितना देना है, 3 धम्मा बालू देना है और 6 धम्मा जो आपका धम्मा होता है उससे गिट्टी देना है, ठीक है, जो बर्तन होता है डालने वाला, ठीक है। अब ये हो गया M20 ग्रेड। अगर गिट्टी इस मामले में ज्यादा पड़ रहा है, जनरली होता है, ठीक है, मैं साइड पे आज भी ढलाई कर रहा था तो ये चीज होता है, तो 1-4-6 आप कर सकते हैं, ठीक है। आपको बालू 1 धम्मा बढ़ा देना, उससे ज्यादा नहीं बढ़ाना, और मैक्सिमम साइड पे मैं बता रहा हूं, 100% मैं बता रहा हूं, आप लोग कमेंट करके बता पाइएगा कि आपके छत पे जो रेशियो चल रहा होगा, मैं बता देता हूं, एक बोरी बालू पड़ रहा होगा वहां पे 5 धम्मा बालू पड़ रहा होगा और लगभग 5 धम्मा ही गिट्टी भी पड़ रहा होगा, या फिर गिट्टी 6 धम्मा भी पड़ सकता है, यही रेशियो जनरली यूज किया जाता है। लेकिन थोड़ा आपको अच्छा और मजबूत घर बनाना है तो उसमें या तो M20 ग्रेड यूज करें, या M20 नहीं हो पा रहा है इसको आप लोग यूज करें, इससे नीचे आपको नहीं आना, ताकि हमें मजबूती में कोई भी कमी आए हमारे घर में, इस बात को भी ध्यान रखना है। थिकनेस की बात करें, मोटाई क्या छत का रखना है, 5 इंच में मोटाई छत का रखना। आगे हम लोग बढ़ेंगे, सबसे पहले हमें एक इंजीनियर रखना है जो साइट विजिट करेगा, एक एक चीज को देखेगा। हमारे यूट्यूब चैनल पे इससे पहले वाला अगर वीडियो देखेगा तो उस पर हम लोगों ने एक साइट पर से वीडियो बनाया हुआ, लाइव जाके बनाया हुआ, क्या क्या चीज का हमें बेसिकली ध्यान रखना चाहिए छत ढलाई के टाइम, उस वीडियो को भी आप लोग देख सकते हैं। और एक इंजीनियर को अगर हायर करते हैं छत ढलाई के दिन, मंगाते हैं, बुलाते हैं, तो आपको लगभग 2000 स्क्वायर फीट का छत है, अगर वो आपका पूरा दिन 4-5 घंटा रह कि आपका छत ढलाई करा है तो उस कंडीशन में आपको वो 2-3 हजार रुपए मिनिमम चार्ज करेगा, ठीक है। तो 3 हजार रुपए में साइट विजिट का चार्ज रख लेता हूं स्लैब कास्टिंग का। आगे बढ़ते हैं, सबसे बड़ा मटेरियल सीमेंट आ जाता है। सीमेंट हमें कितना बोरी मंगाना चाहिए, बहुत आदमी का सवाल रहता है, हम छत ढलाई कराने वाले हैं, कितना बैग हम लोग मंगा रहे जो हमारे छत ढलाई के लिए सफिशियंट होगा। तो मैं बता रहा हूं 2500 स्क्वायर फीट लगभग एरिया हो जाता है, तो लगभग आपको 10-20 बोरा हमेशा, जैसे 2500 स्क्वायर फीट 10 से भागा दीजिए, 250 बैग आता है, हमेशा 10-20 बैग एक्स्ट्रा लेके चलना। इसलिए मैंने कितना 280 बैग सीमेंट को लेके रखा हुआ है। और रेट जो सीमेंट की बात करिएगा, 350 से लेके 400 रुपए, 350 रुपए जनरल सीमेंट आता है। जैसे अल्ट्राटेक की बात करें तो अल्ट्राटेक सुपर आपको 360-365 रुपए तक अभी बिहार में मिल रहा है, ठीक है। और आप ACC की बात कीजिएगा, ACC में आपको HPC सीमेंट मिल रहा होगा। लेकिन हमें ढलाई के लिए जो सीमेंट मंगाना है, वो कौन सा सीमेंट मंगाना है, आपको जैसे अल्ट्राटेक यूज कीजिए तो प्रीमियम यूज कीजिए, या वेदर प्लस यूज कीजिए। अगर ACC का मंगाना है तो F2R मंगाइए, या फिर गोल्ड में, ज्यादा कोशिश कीजिए गोल्ड मंगाने का, ठीक है। गोल्ड 5-10 रुपए महंगा होता है, लेकिन छत ढलाई के लिए बेस्ट सीमेंट होता है, ठीक है। और साइड में यहां पे हमारा डेट मेंशन रहता है, अगर अल्ट्राटेक का लीजिएगा तो उसमें भी मेंशन रहता है, और ACC का भी लीजिएगा तो आपको उसमें भी मेंशन रहता है। यहां पे डेट रहता है किस डेट में मैन्युफैक्चर हुआ, मंथ लिखा हुआ रहता है, उसके बाद वीक भी लिखा रहता है, 3 चीज लिखा हुआ रहता है, तो उससे आप पता कर सकते हैं कि किस, मतलब कब हमारा मैन्युफैक्चर हुआ है सीमेंट, इस डेट को देख के ही लेना। ज्यादा पुराना सीमेंट नहीं लगाना है, मतलब 1 मंथ से भी कम टाइम का होना चाहिए, मैक्सिमम में 3 मंथ तक का यूज करना चाहिए। लेकिन 1 मंथ के बाद सीमेंट क्या होता है, अपना स्ट्रेंथ थोड़ा थोड़ा कम करता है, उसका क्वालिटी घटते जाता है, तो कोशिश करना चाहिए 1 मंथ के अंदर का ही हम लोग सीमेंट यूज करें, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, सेंड की बात करेंगे, सेंड
थोड़ा इसको मैं पेन को मोटा कर लेता हूँ, ठीक है। अब हम लोग आगे क्या करने वाले हैं, सेंड की बात करने वाले हैं। तो सेंड पे एक एक चीज को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सेंड जो मंगाना है वो 800 CFT, मतलब 800 CFT मतलब 8 ट्रैक्टर मंगाना है। ट्रैक्टर में जनरली आपको 85 से 90 CFT ही मिलता है, तो उस चीज पे ध्यान रखना है कि आपको नब्बा के लेना है कि 100 CFT हमको एक ट्रैक्टर में चाहिए। उस कंडीशन में 8 ट्रैक्टर आप लोग लेते हैं तो आपका छत ढलाई में नहीं घटेगा, ठीक है। 55 रुपए से लेकर 65 रुपए पर CFT का खर्च आता है। बालू बालू हो सकता है आप नियर बाय में रहते हैं तो 35 रुपए पर CFT भी आपको मिल जाए, लेकिन ये कंडीशन होता है आप नदी के नियर बाय में रहते हैं तब। मैं अभी भागलपुर में रहता हूँ बिहार के, तो वहां लगभग 55 रुपए 65 रुपए चल रहा है। मैं 55 रुपए रेट पकड़ के चल रहा हूँ तो 44,000 रुपए आपको सेंड में खर्चा आएगा, ठीक है। आपको कितना, 1,07,800 रुपए किसमें खर्चा आ गया था, सीमेंट में। बालू में बस ध्यान रखना, देख रहे हैं मोटा दाना बालू है, छत डालने के लिए मोटा दाना लेना, एकदम साफ बालू लेना। देख पा रहे होंगे फोटो में जिस तरीके का बालू दिख रहा है, इसी तरीके का साफ लेना। अब एग्रीगेट गिट्टी की बात कर लेते हैं, ठीक है। गिट्टी आपको लगभग 1100 CFT कह सकते हैं, 11 टेलर आप बोल सकते हैं, 11 टेलर मंगवा लेना है। रेट जो गिट्टी की बात करेंगे तो 70 रुपए से लेकर 90 रुपए रेट चलता है। 70 रुपए रेट आपका नियर बाय पहाड़ है वहां से टूट के आ रहा है तो आपको मिल जाएगा, उससे कम में मिल जाएगा, लेकिन जनरली जो रेट है बिहार का वो 70 रुपए से 90 रुपए। मैं 80 रुपए रेट पर CFT पकड़ के चल रहा हूं तो 88,000 रुपए खर्चा आपको गिट्टी में आ रहा है। गिट्टी ध्यान रखना कि ज्यादा मिक्सिंग ना, हाफ इंची जो गिट्टी होता है, हाफ इंची वाला जो गिट्टी होता है वो आपका बहुत ज्यादा मिक्सिंग नहीं होना चाहिए। जैसे इस तरह का गिट्टी है, बहुत ज्यादा मिक्सिंग नहीं होना चाहिए, इरेगुलर शेप, अलग अलग शेप का वहां गिट्टी होना चाहिए। राउंडेड जैसे गोल जैसा गिट्टी, इस तरह का गिट्टी नहीं होना चाहिए, ये गिट्टी हमें यूज नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग स्टील की बात करते हैं, तो स्टील में देखते हैं दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आप सभी के लिए मैं लगातार हेल्पफुल वीडियोस लेके आते रहता हूं। अब छड़ की बात करेंगे तो छड़ में मैं 3200 kg के आसपास में छड़ लगा रहा हूँ। छड़ में मैं हर बीम के सामने क्रैंक तोड़ रहा हूँ, ठीक है। एक्स्ट्रा टॉप बार लगा रहा हूँ, ये सब चीज मैं पहले मेंशन में क्या क्या छत में मान के चल रहा हूँ, ये चीज तो आप करा ही रहेंगे और कराना ही चाहिए। आप 2 फ्लोर का भी घर बना रहे हैं, ग्राउंड प्लस 1 का बना रहे हैं, तब ये सारा मटेरियल आपका वैलिड रहेगा। अगर यही जी प्लस आप 2 जाइएगा तो वही आपका बीम वगैरह हैवी हो जाएगा, पिलर भी हैवी हो जाएगा, उस कंडीशन में आपका मटेरियल ज्यादा जाने वाला है। मैं G+1 ग्राउंड प्लस 1 का बात कर रहा हूं, उस कंडीशन में बता रहा हूं 3200 kg तो कम से कम लगना ही चाहिए छड़। और आपको क्रैंक तोड़ना है, आपको टॉप एक्स्ट्रा बार देना है, बीम आपको जरूर प्रोवाइड करना है, बीम में आपको टॉप भी अगर एक्स्ट्रा दे सकते हैं टॉप एक्स्ट्रा जरूर दें। और बीम स्टील की अब प्राइसिंग की बात करें तो 61 रुपए से लेकर 75 रुपए रेट चल रहा है। अब रेट कुछ बढ़ भी गया है, 61 रुपए आपको लोकल स्टील एकदम मिलेगा और 75 रुपए टॉप स्टील आपको 75, 76, 77 रुपए आपको, जैसे कि सबसे ज्यादा टॉप पेपर टाटा है, GSW है, ये सब टॉप स्टील में विजाग स्टील हो गया। तो अगर GSW टाटा आप खरीदते हैं तो आपको लगभग टॉप 75, 76 रुपए पर kg पड़ने वाला है। मैं बीच का रेट बोलूंगा 70 रुपए, 70 रुपए में आपको कैप्टन मिल जाएगा आपको, उसके बाद आपको श्याम स्टील के आसपास मिल जाना है और आपको मोगिया स्टील मिल जाना है, ये सब ब्रांड कामधेनु स्टील है, ये सब मिल जाना है। तो ये रेट के रेंज में तो लगभग 2,24,000 रुपए आपको स्टील में खर्चा होना है। स्टील कोशिश कर रहे हैं आप छत ढलाई कराएं तो आप लोग कैप्टन मुगिया इन सब से भी करा सकते हैं, 1-2 फ्लोर के लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 4-5 फ्लोर का जब घर बनाना है उस कंडीशन में आपको क्या यूज करना है, JSW या फिर टाटा, ये सब कंपनी जो भी आपके टॉप ब्रांड आपके एरिया में अवेलेबल होगा उसी को यूज करना, ठीक है। अब लेबर पेमेंट की बात करेंगे, लेबर रेट की बात करेंगे। 2000 स्क्वायर फीट एरिया है, 45 रुपए ग्रामीण एरिया में लगता है, 65 रुपए शहरी एरिया में। बीच का रेट मैं पकड़ता हूँ 55 रुपए पर स्क्वायर फीट अगर आप खर्चा दे रहे हैं। लेबर पेमेंट का मैं इस तरीके से बताता हूँ, एक ही चीज में डिटेल में बताना चाहूंगा क्योंकि आपको आसान रहे बात करने में। तो लेबर पेमेंट में क्या होता है, सबसे पहले वो शटरिंग करेगा, ठीक है। ये शटरिंग फ्रेमवर्क कर दिया, शटरिंग करने के बाद उसी का काम रहेगा लोहा बिछाना, ठीक है। आपको उसमें कुछ नहीं करना है, लोहा बिछाएगा, उसके बाद जो वो क्या करेगा, छत को ढलाई करेगा। ढलाई के दिन का टोटल टीम उसके तरफ से आएगा, मशीन उसके तरफ से आएगा, आपको कुछ भी 1 रुपए भी एक्स्ट्रा नहीं देना, सिर्फ अपना आपको मटेरियल देना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो 55 रुपए पर स्क्वायर फीट दीजिएगा तो 1,10,000 रुपए आपको लेबर कॉस्ट चल जाएगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रिकल भी आपको कराना जरूरी है, इलेक्ट्रिकल आपको करा के ही छत ढलाई कराना। देख सकते हैं यहाँ पे हमारा फैन बॉक्स है, ये लाइट बॉक्स है, इस तरीके से आपको इलेक्ट्रिकल कराना है पहले। तो इसमें मजदूरी जो आता है 2 रुपए पर स्क्वायर फीट के आसपास मजदूरी लेता है, 2000 स्क्वायर फीट एरिया है तो 4,000 रुपए इसमें मजदूरी में खर्चा जाता है और 8,000 रुपए का लगभग आपको मटेरियल आ जाएगा। रोलिंग पाइप देख रहे हैं, यहाँ पे बॉक्स देख रहे हैं, लाइट बॉक्स देख रहे हैं, इस तरीके का इसमें लगभग आपको 12,000 रुपए खर्चा आ जाएगा इलेक्ट्रिकल में। अब आगे बात करेंगे लिक्विड, लिक्विड आपको छत
में लगाना है। आप जिस कंपनी का सीमेंट यूज करें उसी कंपनी का कोशिश करें आपको लिक्विड भी ले, ठीक है, वाटर प्रूफिंग के लिए लिक्विड आता है उसी को आपको लेके मिक्स करना। तो 20 लीटर कम से कम लिक्विड आपको लेना, नहीं तो 30 लीटर भी आप लोग ले सकते हैं, कम से कम तो 20 तो चाहिए ही मिनिमम, ठीक है। 20 लीटर अगर लेते हैं तो 2000 से 2400 के बीच प्राइसिंग होने वाला है, 2200 रुपए में इसका भी रेट पकड़ रहा हूँ, क्योंकि इतना चीज तो मिनिममली जरूरी है मटेरियल, मैं इस सब चीज को जोड़ा हूँ। इसमें छोटा छोटा चीज बच गया है, काटी अगर खरीदते हैं आप और छड़ में ही तार आ जाता है, बस एक चीज बच रहा है, उसके बाद आपको कवर ब्लॉक भी खरीदना, तो 2-4 हजार रुपए एक्स्ट्रा और खर्चा हो सकता है। उसके बाद टोटल कॉस्ट की बात करेंगे तो लगभग जो आ रहा है यहाँ पे 5,91,000 रुपए टोटल कॉस्ट आ रहा है आपको 2000 स्क्वायर फीट छत ढलाई में, 5,91,000 रुपए, आप 2000 स्क्वायर फीट से भाग दीजिए, 295 रुपए पर स्क्वायर फीट छत ढलाई में खर्चा आ रहा है, ठीक है। थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा खर्च मान के चले तो ये 6 लाख के अराउंड आपको खर्चा पड़ने वाला है। 300 रुपए पर स्क्वायर फीट आपको G+1 टाइप घर बना रहे, उसमें अगर यही G+2 से प्लस का घर है तो लगभग 350 रुपए भी पर स्क्वायर फीट आपको खर्चा चले जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में यही तक रहेंगे, आशा करूंगा आप सब वीडियो अच्छा लगा होगा, 2000 स्क्वायर फीट का जो हम लोगों ने एक ही चीज को डिस्कस किया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, इस तरह के वीडियोज लगातार आप सभी के लिए लाता रहता हूं, आप सभी के लिए हेल्पफुल वीडियोज लाता रहता हूं। कमेंट करके भी आपका कोई सवाल है जरूर पूछ सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।